सितंबर माह में पड़ने वाला हरेला किस दिन बोया जाएगा, इसे बोने का सही समय क्या होगा और इस हरेले में क्या क्या अनाज बोया जाता है, इन सब विषयों पर हम आज के एक छोटे से वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी एक जानकारी हरेला के उपलक्ष्य में। उत्तराखंड में ऋतुओं के अनुसार कई पर्व मनाए जाते हैं। यह पर्व हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं। वहीं पहाड़ की परंपराओं को कायम रखते हुए इन्हीं खास पर्वों में हरेला को भी शामिल किया गया है, जो एक उत्तराखंड का लोक पर्व है। हरेला शब्द का तात्पर्य हरियाली से है। यह पर्व वर्ष में 3 बार आता है, पहला चैत मास, दूसरा श्रावण मास और तीसरा अश्विन मास में, यानी कि असोज के महीने में। हरेला घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए बोया और काटा जाता है। यह हमारी अच्छी फसल का भी सूचक है। हरेला इस कामना से बोया जाता है कि इस साल हमारी फसलों को कोई नुकसान ना हो। यह मान्यता है कि हरेला जितना बड़ा होता है उस घर में कृषि से उतना अधिक फायदा होता है। वैसे तो हरेला घर घर में बोया जाता है, लेकिन किसी किसी गांव में हरेला पर्व सामूहिक रूप से स्थानीय ग्राम देवता मंदिर में मनाया जाता है। गांव के लोगों द्वारा मिलकर हरेला बोया जाता है। चैत्र और अश्विन माह में बोया जाने वाला हरेला मौसम बदलाव का सूचक है। चैत्र माह में जो हरेला बोया जाता है वह हमारे गर्मी के आगमन का सूचक है। वहीं असोज माह में जो हरेला बोया जाता है वह सर्दियों के आगमन का सूचक है। अश्विन माह में बोया जाने वाला हरेला नवरात्रि के प्रथम दिन बोया जाता है, यानी कि फर्स्ट नवरात्रि के दिन बोया जाता है और दशहरे के दिन इसे काटा जाता है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर 2022 से होने जा रही है, यानी कि उस दिन दुर्गा स्थापना होगी और उसी दिन हरेला भी बोया जाएगा और 5 अक्टूबर को इसे काटा जाएगा। उस दिन दशहरा पर्व है। हरेला बोने का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:02 से सुबह 7:32 तक रहेगा। इस समय अवधि में अमृत की चौघड़िया है। जो लोग इस समय अवधि के दौरान हरेला नहीं बो पाए हैं वह सुबह 9:02 से सुबह 10:32 पर इसे बो सकते हैं। इस समय अवधि में शुभ चौघड़िया है, तो आप इन दो समयों में से कभी भी हरेला बो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।